झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू एवं संचालन प्रधान महासचिव बीरेंद्र कुमार ने किया। यह बैठक गत दिनों आयोजित भूख हड़ताल कार्यक्रम की समीक्षा तथा आगे की रणनीति एवं कार्यक्रम के मुद्दे पर रखी गई थी। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की आज केंद्रीय समिति की हम लोगों ने आज बैठक रखा था। आज 3 दिवसीय जो भूख हड़ताल हम लोगों का था उसकी हम लोगों ने आज समीक्षा की, और समीक्षा में हम लोगों ने पाया कि भूख हड़ताल पूरी तरह से हम लोगों का सफल रहा। चूँकि जिन मुद्दों को लेकर हम लोग भूख हड़ताल का आयोजन किए थे, जिसमें पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, इन तमाम मुद्दों पर एक अच्छा संदेश गया, सरकार पर दबाव हम लोगों ने बनाया है। लेकिन अफसोस की बात है कि विधानसभा का सत्र खत्म हो गया और हमारे मुद्दे पर सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। तो आज की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि थोड़ा संगठन को हम लोग और चुस्त दुरुस्त करेंगे। चूँकि लड़ाई हम लोगों की लंबी होने वाली है, बड़ी होने वाली है, और आगामी 23 अप्रैल को रांची में हम लोग भामाशाह जी के जयंती पर वैश्य दिवस के अवसर पर हम लोग विचार गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश से हम लोग बुद्धिजीवियों को और वैश्य समाज के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। उसमें हम लोग विचार करेंगे और आने वाले दिनों में बड़ी लड़ाई का, बड़ी आंदोलन का घोषणा करेंगे। हमारा लड़ाई जारी है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो भुगतने के लिए भी तैयार रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।